तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं मिलने अपने रस्म ग्रुप यानी कि ये मेरा फ्रेंड ग्रुप है और आज हम इस ग्रुप के जितने भी जन हैं उन सब से मिलने जा रहे हैं। तो वन बाय वन हम सबसे मिलेंगे, उन सबसे बातें करेंगे और आज खूब मस्ती करेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने रस्म ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूँ। इस ग्रुप में 5 लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं और ये जो ग्रुप है क्लास 10th में जब अरे कहना क्या चाहते हो मैं थी तो बना था और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे एक दूसरे के। और रही बात, अब मैं क्लास 12th में हूँ तो 10th के बाद से हम सब अलग अलग स्कूल में एडमिशन ले लिए थे तो उतना मिल नहीं पाते थे, लेकिन आज हम सब ने प्लानिंग किया है कि आज हम सब एक दूसरे से मिलेंगे और खूब सारी मस्ती कर। इस वीडियो के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि हमारा ग्रुप का नाम रश्म क्यों है और एक और नेम है सबका, एक एक फनी फनी नेम एज अ टाइटल वे में हमने सबका एक एक फनी नेम रखा है। तो जैसे क्या बात है सर, हम अपने फ्रेंड से मिलेंगे, मैं उनका एक वो वाला फनी वाला भी नेम बताऊंगी और उनका रियल नेम भी बताऊंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं घर से निकल गई हूँ और मैं अभी रास्ते में हूँ और मैं जा रही हूँ, अभी रिक्शा पकड़ूंगी, फिर मैं अपने फर्स्ट फ्रेंड के स्टॉपेज पे पहुँचूंगी, वहाँ से मैं अपने फर्स्ट फ्रेंड को ले मैं आगे जाऊँगी। A few moments later. मैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे उतर गई हूँ और मैं अपने फर्स्ट फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ और ये है मेरी फर्स्ट फ्रेंड। उसका नाम बताओ यार, अपना नाम बताओ। साक्षी। और इसका मैं वो वाला फनी नेम भी अभी आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, बताओ अपना पढ़ाकू। पढ़ाकू। ये मेरी प्यारी फ्रेंड स्नेहा। झूठ बोल रहा है। आते ये महारानी कहीं और ही बात करने लगी। गजब बेइज्जती है। ये मेरे लिए तो इनकी फिक्र ही नहीं है, मैं मुझसे बात की है बगैर दूसरे से बात कर रही है, देख सकते हैं इनको। अब मैं आगे भी आ चुकी हूँ और मैं अभी अपने दो फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ, उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। ये मेरी फ्रेंड मिस्टी नाम है इसका, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो फनी नेम के साथ, याद करो वो फनी नेम ग्रुप वाला। गजब बेइज्जती है। अरे इतना जल्दी भूल जाओगे। इसका हसमुख चाचा है। हाँ, तो इसका नाम है हसमुख और हम लोग इसको प्यार से हसमुख जी बुलाते थे क्योंकि ये हमेशा मिठाई खाती थी और मिठाई भी। मैं थर्ड फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ, ये इसका नाम साक्षी गुप्ता है, ये अभी इंट्रोड्यूस कराएगी अपने फनी नेम के साथ। क्योंकि ये हमेशा खाने के बाद से बस साफ करती रहती थी, तो इसका नाम हमने साफ करता जी रख दिया। तो ये मेरी थर्ड फ्रेंड। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सीक्रेटली ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब जो वीडियो देखेगा उसको जलन होने वाली है, तो उसके लिए मैं यही से माफी मांगूंगी। फाइनली मैं अपने जिसके घर जाना था वो वाली फ्रेंड के घर आ गई हूँ और मैं उनसे मिलवा रही हूँ। ये और ये रन्नो है और रन्नो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगी विद द फनी नेम। बताओ तुम्हारा फनी नेम क्या था? गुस्सेलू। अब ये भी बता दो क्यों तुम्हारा नाम गुस्सेलू था? क्योंकि मैं हर बात पे गुस्सा करती हूँ और साक्षी गुप्ता से बहुत ज्यादा लड़ती हूँ इसलिए। तो आज अपना रश्म ग्रुप तैयार है, बस खाना बाकी है और अभी होटल अभी खुलने वाला है। और फिर ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये बताऊंगी कि इस ग्रुप का नाम रश्म क्यों है। अगर आपको कुछ रियलाइज हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्यों इस ग्रुप का नाम रश्म है, अदरवाइज मैं इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगी। One hour later.
टंटना और ये हमारा होटल वाला सामग्री यहाँ पे आ चुका है और ये हमारी वेटर है। गजब बेइज्जती है। ये हमारी बुक कर दोस्त। नहीं झूठ बोल रहा है।